अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किन उर्दू लिटरेचर पर आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट जो है तो 4 देखेंगे और ये मुकम्मल यूनिट हम देखेंगे। वीडियो बड़ा हुआ भी तो चलता, लेकिन एक ही यूनिट में हम 1 क्लास 1 यूनिट देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले 3 वीडियो 1 क्लास 1 यूनिट की देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है नेट एग्ज़ाम्स के लिए, अब एग्ज़ाम्स होने वाला है अगस्त में, तो नहीं भी पढ़ा है, अगर ये 8-10 क्लासेस अगर आप देख लेते हैं, 8 से 10 क्लासेस भी अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं और एक से दो बार रिवीजन भी कर सकते हैं स्पीड बढ़ाकर, तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आपका नेट जो है तो क्लियर हो जाएगा। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ इजी है और क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो आप इसे ज़रूर से देखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करती हैं आज की वीडियो। आज है यूनिट 4 उर्दू नज़म। तो उर्दू नज़म में सबसे पहले हमारे शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। इनका नाम भी नज़ीर अकबर आबादी ही है। असल नाम था इनका शेख वली मोहम्मद और ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। और इनके वालिद का नाम है शेख मोहम्मद फारूक। इनकी पैदाइश जो है तो 1735 है और बाज जगह 40 भी दी हुई है। जो ऑप्शंस में रहा उसे आप टिक कर ले। दिल्ली में हुई और आगरा में इनकी जो है तो वफात हुई 1830 में। पूरी तारीख़ आप यहाँ देख सकते हैं। इनके मजमू का नाम है कुलियात नज़ीर। इनकी नज़में हैं हमारे निसाब में शामिल मुफलिसी, आदमी नामा और बंजारा नामा। तो मुफलिसी ये नज़म है 34 बंत पर शामिल है और मखमस में है। मखमस इसे बोलेंगे जिसमें जो है तो 5-5 मिसरे हो, उसी नज़म को कहते हैं। और उसके अलावा है आदमी नामा, 17 है बाज़ जगह इसके बंद आप देखें, ये भी मखमस में ही है। बंजारा नामा ये इसकी 12 बंद है और ये भी मखमस में ही है। और ये तीनों नज़में शामिल है, निसाब है UGC नेट के। अब है आगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद। रिवीजन करने के लिए आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। इसमें है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इनका नाम भी असल नाम है मोहम्मद हुसैन और आज़ाद जो है दोनों तखल्लुस है। इनके वालिद का नाम है मौलवी मोहम्मद बाखर और इनके उस्ताद है ज़ौक दहलवी। इनकी विलादत है 10 जून 1830 दिल्ली में हुई है। वफात है 22 जनवरी 1910 लाहौर में। पैदा इन्होंने दिल्ली में हुए और इनकी वफात हुई लाहौर में। इनके जो है तो तसानीफ है, इसे याद रखें आप। आब हयात इनकी बहुत मशहूर किताब है। दरबार अकबरी इन्हीं की किताब है। सुखनदानी फारस ये फारसी किताब है। ड्रामा अकबर ये भी इन्हीं की किताब है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सैर ईरान ये हमारे निसाब में शामिल है, ये सैर ईरान ये निसाब में शामिल नहीं है लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है। सैर ईरान ये इनका सफ़रनामा है। निगारिस्तान फारस ये भी इन्हीं का है। कससुल हिंद ये भी इन्हीं की किताब है। निरंग ख्याल ये भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा है। और ख्वाब अमन ये इनकी शायद मसनवी है। ये थे इनके अहम तसानीफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़में जो हमारे निसाब में शामिल है, एक शब क़दर है, दूसरी है सुबह उम्मीद। ये दोनों नज़में शामिल निसाब हैं। 130 इसके अशार हैं और ये मसनवी के अंदाज़ में ही लिखी गई हैं और ये भी मसनवी के अंदाज़ में है। इसमें जो है तो 151 इनके अशार की तादाद हैं। अब है आगे अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनका असल नाम भी अल्ताफ़ हुसैन है, हाली इनका तखल्लुस है।
पहले ये जो है दोनों खस्ता इख्तियार किया था हाली ने, लेकिन गालिब ये तखल्लुस था, लेकिन उन्होंने गालिब के कहने पर हाली तखल्लुस जो है तो इख्तियार किया है। इनके वालिद का नाम है ख्वाजा अजीद बख्श। किसके वालिद हैं? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के, और उनके उस्ताद में हैं गालिब और शिफ्ता। ये दोनों इनके उस्ताद रहे हैं। इनकी पैदाइश जो है तो पानीपत में ही हुई और वफात भी पानीपत में ही हुई भी है। ये 1837 में जो है तो इनकी पानीपत में पैदाइश हुई थी। इसी तरह 1914 में इनकी पानीपत में ही, 31 दिसंबर 1914 में इनकी पानीपत में वफात हुई। इनके अहम तसानीफ भी देख लें, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इनके अहम तसानीफ में हैं हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावीद, मुकदमा शेर व शायरी इनकी तनकीदी किताब है, मजालिस उन्निसा ये इन्हीं की किताब है, मुसद्दस मद व जज़र इस्लाम ये भी इन्हीं की किताब है, मुखालात हाली ये हाली की ही है, दीवान हाली भी हाली की हैं। अब निसाब में शामिल इनकी नज़में हैं निशात उम्मीद, और ये लिखी गई थी 1874 में निशात उम्मीद हल्के अरबाब ज़ौक़ में। इस में और इसमें 92 जो है तो अशार पर मुश्तमिल है। बरखा रूत 145 अशार पर मबनी है, ये भी जो है तो मसनवी के अंदाज में ही है। उसके बाद है मुनाजात बेवा, इसमें एक बेवा की जो है तो दास्तान बयान की गई है मसनवी के अंदाज में, और 102 इसके अशार है। अब है इस्माइल मिरेटी, ये बच्चों के शायर के नाम से भी जाने जाते हैं इस्माइल मिरेटी। इनका असल नाम है शेख मोहम्मद इस्माइल, और इनके वालिद का नाम है पीर बख्श, और इनकी वलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी 12 नवंबर 1844 मेरठ में हुई थी, और इनकी वफात जो है तो 1 नवंबर 1917 को इनकी वफात हुई थी। असल इखादे बारी ही पूरी वफात पूछता है, लेकिन बाज़ दफ़ा खाली 1844 इस तरह से ही दे देता है, पूरी वफात नहीं पूछते ज़्यादातर। नज़में हैं खुदा की सनत, इन्हीं की नज़म है ये, निसाब में शामिल है। आसार सल्फ ये भी निसाब में शामिल है। आसार सल्फ जो है तो मसमन यानी आड़ बंद पर मुश्तमिल जो नज़म होगी उसे बोलेंगे मसमन, और ये 17 जो है तो इसमें बंद है इसमें आसार सल्फ में, और 40 जो है तो अशार है ये खुदा की सनत में। आगे है अकबर अलाबादी, ये इनका असल नाम है सैयद अकबर हुसैन रज़वी, असल नाम है इनका, और इनके वालिद का है मीर तफज़ुल हुसैन। ये अकबर अलाबादी के वालिद का नाम है, और उस्ताद है वहीद अला आबादी। विलादत हुई थी इनकी 16 नवंबर 1846 को हुई थी, 1846 में अलाहाबाद में इनकी जो है तो विलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी, और वफात हुई थी इनकी 9 दिसंबर 1921 में जो है तो इनकी वफात हुई। इनकी नज़में हैं परज़ लतीफ़ा, बरख़ कलीसा ये इनकी नज़में हैं, और दरबार दहली ये नज़में शामिल निसाब है। तो फ़र्ज़ लतीफ़ा में 11 अशार पर जो है तो ये मुश्तमिल नज़म है। बरख़ कलीसा जो है तो 29 अशार पर मबनी है, और दरबार दहली जो है तो 44 अशार पर मुश्तमिल नज़म है। ये तीनों नज़में इन्हीं के निसाब में शामिल हैं। चकबस्त ये भी निसाब में शामिल है नज़म निगार के तौर पे।
इनका नाम है बुर्ज नारायण चकबस्त। इन्होंने किसी किस्म का जो है तो तखल्लुस जो है इस्तेमाल नहीं किया, ये बात याद रखें। इनके वालिद हैं उदय नारायण, ये इनके वालिद हैं चकबस्त के, और उस्ताद में है सैयद फजल अली खां अफजल, इनके उस्ताद रह चुके हैं ये। और विलादत हुई थी, इनकी पैदाइश हुई 19 जनवरी 1800 जो है तो BSC फैज़ाबाद में हुई थी। वफात हुई 12 फरवरी 1926 में इनकी वफात हुई राय बरेली के स्टेशन पर जो है तो इनकी वफात हुई थी, वहाँ उन्हें शायद अटैक आया था। 1926 में इनकी वफात हुई। अहम मजमुआ कलाम है इनका, इनके अहम मजमुए कलाम हैं, एक है सुबह वतन भी है, अगले लोग भी इन्हीं का है मजमुए कलाम, रामायण का आखिरी सीन इनकी ये नज़म शामिल है, और इसमें कुल 22 बंत पर मुश्तमिल ये नज़म है। खाक हिंद ये भी इन्हीं की नज़म है और 9 बंत पर मुश्तमिल है ये, और हुबे वतन ये 14 अशार पर मबनी नज़म है। अल्लामा इकबाल है शेख मोहम्मद इकबाल, इनका असल नाम है, और इनके वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद, उस्ताद इनके रह चुके हैं डाक दहलवी से, इन्होंने इसलाह ली थी। विलादत है इनकी 22 फरवरी 1877 सियालकोट में इन्हें ये है तो पैदा हुए, और फैज़ अहमद फैज़ भी सियालकोट में ही पैदा हुए थे। वफात है 21 अप्रैल 1938 में लाहौर में इनका इंतकाल वफात हुई। और अहम है इनके तसानीफ़, इनकी अहम है बांगे दरा, बाले जिब्रिल, ज़रब कलीम, अरमगानी हिजाज, ये इनके मजमुए कलाम हैं। इसके ट्रिक ये बाबा ज़रूर आना से इसके ट्रिक बनती हैं, ट्रिक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसरार खुदी ये भी इन्हीं की है, और रमोज़ बेखुदी इन्हीं की है, जावेद नामा भी इन्हीं की है, फ़ारसी में है। इनकी नज़में हैं जो शामिल निसाब है लाला सहराई, ये है 8 अशार पर मबनी है, और ये कायम शामिल है बाले जिब्रील में, ये याद रखना है लाला सहराई जो है तो बाले जिब्रील में शामिल है, और ये अलामती नज़म है। ये तीन बातें याद रखें आप। शुआए उम्मीद के ताल्लुक से है, इसमें 17 अशार हैं, और ये ज़रबे कलीम में शामिल हैं, और तीन हिस्सों पर मबनी है शुआए उम्मीद। किरणों से सूरज का ख़ताब, किरणों पर ख़ताब का असर, और शुआए आफ्ताब इस वक्त तक चमकने को कहती हैं जब तक पूरा आलम रोशन ना हो जाए। इसमें है आगे साकी नामा, ये 100 अशार पर मबनी है, ये भी बाले जिब्रील में शामिल है, और मशहूर है नज़म, मशहूर नज़म है साकी नामा, और सहरुल बयान की तर्ज पे और उसी बहर में ये लिखी गई है, ये भी बात याद रखें आप। ज़ौक़ व शौक़ ये 30 अशार पर मुश्तमिल नज़म है, मबनी है, और बाले जिब्रील में शामिल है। इसके अक्सर अशार फ़लस्तीन में लिखे गए हैं। लीनियन खुदा के हुजूर ये भी निसा में शामिल है, बाले जिब्रील में ही है ये, और इसमें 22 अशार हैं। सिवाय खाली शुआए उम्मीद के बाकी सारी नज़में जो है तो इनकी जो निसा में शामिल है, साखी नामा, ज़ौक़ व शौक़, लीलियन खुदा के हुजूर, और लाला सहरा, ये चार नज़में जो है तो निसाब में शामिल है, तो ये भी बाले जिब्रील में है, और शुआए उम्मीद जो है तो खाली ज़रबे कलीम में शामिल है, ये याद रखें। जोश, अब जोश का नाम असल नाम है शब्बीर हुसैन खां, ये इनका नाम है, और इनके वालिद का नाम है मोहम्मद बशीर अहमद ख़ान, उस्ताद इनके रहे हैं अज़ीज़ लखनवी। इनकी पैदाइश हुई थी 5 दिसंबर 1900
चौरे नौ में मले आबाद में हुई और वफात हुई 22 फरवरी 1982 इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इनके मजमूए कलाम हैं शोला और शबनम। सॉरी क्या हो, कट क्यों नहीं हो रहा। इनके मजमूए कलाम हैं शोला और शबनम, नक्श व निगार, फ़िक्र व निशात, रोहे अदब। रोहे अदब जो है तो ये 1920 में शाय हुआ और शोला और शबनम 1936 में जो है तो शाय हुआ है। हुर्फ व हिकायत, जुनून व हिकमत, आयात व नकमात ये जोश के हैं। यादों की बारात जो है तो खुद नविश्त है जोश की। अब इनकी नज़में जो निसाब में शामिल है किसान हैं और इसमें कुल 53 अशार हैं। जंगल की शहजादी 75 अशार हैं। शिकस्त जिंदा को ख्वाब में 8 अशार पर मबनी नज़्म हैं। अब पढ़ेंगे हैं मीरा जी। मीरा जी का असल नाम है सनाउल्ला डार। तखल्लुस साहिरी, इन्हों पहले जो है तो मीरा जी साहिरी तखल्लुस इख्तियार करते थे, बाद में इन्होंने मीरा जी रखा। और हज़लिया शायरी में इनका लंधूर जो है तो इनका तखल्लुस है। अदबी दुनिया लाहौर में बसंत साहे के नाम से सियासी मजामीन जो है तो लिखे हैं इन्होंने मीरा जी ने। और ये हलक़े अरबाब ज़ौक़ के अहम रुकन है। अराकीन में इनका शुमार होता है। इनके वालिद का नाम है मिर्ज़ा। इनके वालिद का नाम है मुंशा महताबुद्दीन। इनके वालिद का नाम है मीरा जी का। और वालिदा का नाम है ज़ैनब बेगम उर्फ सरदारी, सरदार बेगम। इनकी जो विलादत हुई थी 25 मई 1912 में हुई और वफात हुई 1949 में। और कब हुई है, 3 नवंबर लाहौर में इनकी पैदाइश हुई और वफात हुई मुंबई में। इनकी नज़में जो निसाब में शामिल है मीरा जी की नज़में, ये नज़मों पर मुश्तमिल है इनका। निगार खाना ये है, गीत है इनके, गीत का मजमुआ है। और क्लर्क का नगमाए मोहब्बत, जात्री समंदर का बुलावा, ये 3 नज़में जो है तो इन्हीं की हैं और निसाब में शामिल है। फैज़ अहमद फैज़ इनका नाम, असल नाम जो है तो फैज़ अहमद और तखल्लुस फैज़ इख्तियार करते थे। इनके वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद ख़ान और उस्ताद है चराग हसन हसरत। इनकी पैदाइश 3 फरवरी 1911 सियालकोट में पैदा हुए और वफात हुई इनकी 20 नवंबर 1984 को लाहौर पाकिस्तान में। इनके मजमूए कलाम हैं दस्ते सबा, नक्श फरियादी, जिंदान नामा, सलीब मेरे दरीचे में, ये इनके खुतूत का मजमूआ है। ये नज़में हैं इनकी तन्हाई में कुल 9 अशार हैं और ये नक्शे फरियादी में शामिल हैं। सुबह आज़ादी में 24 अशार हैं और ये दस्ते सबा में शामिल हैं। दस्ते सबा में जो है तो शामिल है सुबह आज़ादी और मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नामा, ये 20 अशार पर मबनी है और ये नक्शे फरियादी में शामिल हैं। तो तन्हाई, सुबह और मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग मेरे महबूब, ये है ना नक्शे फरियादी में है और सिर्फ जो है तो सुबह आज़ादी दस्ते सबा में शामिल हैं। अब बढ़ेंगे हम अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान इनका नाम है मोहम्मद अख्तरुल ईमान। तखल्लुस जो है तो इन्हों अंजुम इख्तियार करते थे, बाद में 1941 तक उन्होंने ये की तखल्लुस इस्तेमाल
किया, फिर बाद में जो है तो अख्तरुल ईमान रखा है। और इनके वालिद का नाम है मौलवी फ़तेह मोहम्मद, इनके वालिद हैं अख्तरुल ईमान के। वालिदा है सलीमन है इनके वालिदा, और इनकी जो है तो वलादत हुई थी 12 नवंबर 1915 में अख्तरुल ईमान की, और वफ़ात हुई थी 1996 में मुंबई में। यह नौपुरी है, ये 9 मार्च 1996। इनके जो है मजमूए कलाम हैं गिरदाब, तारिक सयारा, सबरंग, आप जो यादें, बिनते लम्हात, नया आहंग, ये इनके शेरी मजमूए कलाम हैं। सुरूर सामान, ज़मीन ज़मीन, ज़मिस्तान सर्द, महरी का इस आबाद खराबे में इनकी खुद नविश्त है और निसाब में शामिल है। 1966 में ये जो है तो शाये हुई, और इनकी नज़में हैं एक लड़का, इसमें है कुल 62 अशार है, और ये यादों में जो है तो यादें में जो है तो शामिल निसाब है। पगडंडी ये भी इन्हीं की नज़म है, 32 अशार पर मबनी है और यादें में ही शामिल है इनके अफसान भी, इनके सॉरी शेरी मजमूए। या बाज़ामद ये अख्तरुल ईमान की ही नज़म है, और ये एक मुमताज़ टेक्निक पर लिखी गई है, और ये 1962 में 27 मई 1962 में जो है तो शाये हुई, ये भी याद रखिए। मखदूम मोहियुद्दीन, इनका असल नाम है मोहियुद्दीन, इनके वालिद का नाम है कौस मोहियुद्दीन, इनके वालिद का नाम था मखदूम की, और इनकी जो है तो वफात हुई थी, ये सॉरी विलादत हुई थी 4 फरवरी 1908 में, आंध्र प्रदेश में हुई इनकी, और वफात हुई 25 अगस्त 1969 में हुई इनकी वफात दिल्ली में। इनके कलाम मजमे हैं, मजमे कलाम 3 ही हैं, इसकी ये ट्रिक है मखदूम सुर्ख गुल बस तू ही ला से ये याद रख सकते हैं, सुरख से सुरख सवेरा, गुल से गुल तर, और बस से ला याद रखिए बिसाते रक्स, इनके ये 3 मजमूए कलाम हैं। अब इनकी नज़में जो शामिल निसाब हैं वो है हवेली, चांद तारों का बन, ये इनकी नज़म है मखदूम मोहियुद्दीन की, और ये 62 अशार पर मबनी है। हवेली इनकी 26 अशार पर मबनी नज़म है, सुर्ख सवेरा में शामिल है। इनकलाब 24 अशार पर, ये भी सुर्ख सवेरा शामिल है। नून मीम राशिद, इनका असल नाम है नज़र मोहम्मद, इनके वालिद थे फजल इलाही चिश्ती, ये मीम नून राशिद के नून मीम राशिद के जो है तो वालिद का नाम है, और उस्ताद है अख्तर शेरानी। इनकी जो पैदाइश है 1 अगस्त 1910 में इनकी पैदाइश हुई अलीपुर ज़िला। इनका जो है तो मजमूए कलाम है, वफ़ात हुई थी इनकी 9 अक्टूबर 1975 में हुई लंदन में, और इनके मजमूए कलाम है मारवा 1941, और ईरान में अजनबी 1955, और इंसान ला इंसान एक है गुमान का मुमकिन। तो इस मजमूए को याद करने की ट्रिक है मामा ईरान जाकर लाए गुमा, इस तरह से याद रख सकते हैं आप, चारों के चारों तरतीब से भी याद हो जाएंगे। नज़में है हुस्न कोसागर इनका तो ये मुकम्मल नज़म है ला इंसान से 2 से 4 गुमान का मुमकिन से
है इनका साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी का असल नाम है अब्दुल हई और इनके वालिद का नाम है फजल मोहम्मद। और पैदाइश है 1921 लुधियाना में, 8 मार्च 1921 लुधियाना में। वफात है 25 अक्टूबर 1980 मुंबई में हुई। और इनके जो है मजमूए कलाम भी शामिल निसाब हैं। तलखियाँ आओ के कोई ख्वाब बुने, परछाइयाँ गाता जाए बंजारा। उसके बाद है गीतों का मजमूआ है गाता जाए बंजारा। नज़में हैं इनकी चकले और ये 40 अशार पर हैं। तलखियाँ में शामिल है 27 अशार पर मबनी इनकी नज़म है ताजमहल, ये भी तलखियाँ में ही शामिल है। गुरेज भी तलखियाँ में शामिल है और इसमें कुल 20 अशार हैं। तलख यादों पर आओ के कोई गीत गाए जाए। इस तरह से कुछ ट्रिक बनी हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। शफीक फातिमा शोरा, इनका नाम है शोरा, इन्होंने तखल्लुस करते थे। इनके वालिद का नाम है सैयद शमशाद अली, वालिदा का नाम है ज़फ़रुन्निसा बेगम। और इनकी जो है तो पैदाइश हुई थी 17 मई 1930 नागपुर में हुई इनकी पैदाइश, और हैदराबाद में इनकी वफात हुई 2012 में, 13 अगस्त 2012 को। इनके मजमूए कलाम हैं गुले सफ़ूरा, आफाक़ नवा, किरण किरण, याददाश्त, सिलसिला, मुकालिमात। इस पर भी ट्रिक है, आप देख सकते हैं। नज़में हैं इनकी शामिल निसाब बाज़ियाबी बाज़िगश्त। तो उर्दू नज़म पर तनक़ीदी किताब अगर पढ़ना है तो ये इनकी किताब है, ओमकार कोल की है ये। उर्दू असनाफ नज़म वो नसर की तदरीस। अब निसाब में जो शामिल थे नज़म गोशुरा, इनकी पैदाइश और वफ़ात से देख लेंगे हम किस तरह से बनता है इनका ज़ुमरा। तो पहले नज़ीर अकबर आबादी आएंगे, उसके बाद है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फिर हाली, फिर इस्माइल मिरेटी। ये चारों हैं, चार चार से याद रखें, कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ सकता है। नज़ीर मोहम्मद हाली इस्माइल अकबर इकबाल चकबस्त जोश अकबर इकबाल चकबस्त जोश उसके बाद है मखदूम मोहियुद्दीन, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, साहिर लुधियानवी और शफीक फातिमा शोरा। ये दोनों आखिर में आएंगे, तीनों अख्तरुल ईमान। मीरा जी के बाद आएंगे अख्तरुल ईमान, साहिर और शफीक फातिमा शोरा। वफात के एतबार से नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली और इस्माइल मिरेटी, ये दोनों पैदाइश के लिहाज से भी सेम हैं और वफात के लिहाज से भी सेम हैं। उसके बाद है अकबर अलाबादी, उसके बाद है चकबस्त का पहले वफात हो गई, फिर इकबाल हुए, फिर उसके बाद मीरा जी। जोश की अभी नहीं है, मखदूम मोहियुद्दीन, नून मीम राशिद, साहिल लुधियानवी जो आखिर में थे अब पहले आ गए, और फिर जोश, फिर फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान और शफीक फातिमा शोरा। ये इनकी जो है तो पैदाइश और वफात के ज़ुमरे हैं, आप इसे जहन नशीन कर लें अच्छे से। और आगे हम इन सारी चीज़ों को, इसमें जो नया है उसे ही देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। तो ये आप ख़ुद से पढ़ सकते हैं। आज़ाद की जो है तो आज़ाद की शायरी के दो मजमूए शाये हो चुके हैं, नज़म आज़ाद 1899, कम का कदा आज़ाद 1932। निसाब में शामिल नज़में हैं शब ख़दर और सुबह उम्मीद। अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनकी पैदाइश वफात नज़में भी देख लें आप एक बार, इसे सरासरी तौर पर भी देख सकते हैं। बरखरूट 1874 में, इनशात उम्मीद भी 74 में है, और हुब वतन भी 1874 में, मिनाजतुल बेवा जो है 1884 में शायद लिखी गई। पैदाइश
1844 मेरठ में है। इस्माइल मिरेठी 1917 में इनकी मेरठ में वफ़ात हुई। इस्माइल मिरेठी की एक कुलियात है और इनकी नज़में ये अकबर अलाबादी को जो है तो यहाँ पे लिसानुल असर का ख़िताब भी पेश किया गया है और ये मखज़न की तरफ से इन्हें यह ख़िताब मिला था। अकबर अलाबादी की कुलियात को चार हिस्सों में जो है तो तकसीम किया गया है, यह मुस्तमिल है और इनका अकबर अलाबादी का तारीख़ी नाम खुर्शीद आलम है, ये याद रखें। इनके फर्जंद ने बताया है इनका तारीख़ी नाम, इनके फर्जंद का नाम है इशरत हुसैन। अब यहाँ कौल है इनका अकबर अलाबादी के ताल्लुक से, अकबर अलाबादी ने इस धूप में बाल सफ़ेद किए हैं जिससे सल्तनत इस्लामी का बाग खुश कर दिया, जिसने जो है तो सल्तनत इस्लामी का बाग जो है तो खुश कर दिया, ये हसन नज़ामी का कौल है। आम शायरों की तरह वो अकबर भी गज़ल को गोई के आदि हो गए थे और इसलिए नज़म के फ़राइज़ को अंजाम ना दे सके। यहाँ पे तनख़ीदी थोड़ा सा पहलू नज़र आ रहा है, तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। जिन साँचों का वो अकबर इस्तेमाल करते वो अमा है। अकबर का तखय्युल तंगी में खुश है। अकबर जो है तो अगर अकबर मुफस्सिल लिखते तो इनकी शायरी की अहमियत ज़्यादा हो जाती। अगर वो मुख्तसर ख्याला शदीद जज्बात पर काबू रखते तो रेजा ख्याली का इल्ज़ाम जो इन नज़मों पर आयद है वो आयद ना होता, ये भी कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। अकबर का जो आर्ट है मुख्तसर तस्वीरें या नक्शे बनाने का है और ये तस्वीरें हसीन भी है और मौसूर भी, अपने मकसद में जो है तो कामयाब भी है। तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। जोश की नज़म है जंगल की शहजादी, इसका पहला शेर है बेवस्त है जो दिल में वो तीर खींचता हूँ, एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ। और दूसरा आखिरी अशर है मुड़कर जो मैंने देखा उम्मीद मर चुकी थी, पटरी चमक रही थी और गाड़ी गुजर चुकी थी। ये आखिरी शेर है जंगल की शहजादी का। किसान ये नज़म है 1929 में लिखी गई है और इसका पहला ये अशार ये है। इसे आप देख लें, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, यहाँ पे पहला शेर और आखिरी शेर दिए हुआ है, वीडियो को पॉज कर जो है तो आप देख सकते हैं। और ये इनकी नज़म है किसान और इसके मसाइल के मौज़े पर मबनी है। इसी तरह इनकी जो है तो ये शेरी मजमूए हैं, इनके तरतीब से भी दिए हुए 1944 में और कुलतर 1961 में और 1966 में। इसी तरह यहाँ पे है ईरान में अजनबी मालपा और ला इंसान और गुमान का मुमकिन ये है। नक्शे फरियादी में कुछ चीज़ें दिए हुई थी, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर आसानी से देख सकते हैं। मीरा जी की नज़में जो गीत की पाबंद तीन रंग में मीरा जी की नज़में जो है तो तीन रंग में शामिल है। मीरा जी की नज़में गीत की पाबंद हैं तीन रंग में, तो यहाँ मीरा जी की नज़में और गीत ही गीत पाबंद नज़में तीन रंग से आतशा हैं और कुलियाती मीरा जी 1994 निसाब में शामिल नज़में तो आपको मालूम हो गई। इसी तरह यहाँ पे जो अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए दिए हुए हैं, इसे आप तरतीब से देख सकते हैं। गिरदाब तारिक सयारा सब रंग आप जो यादें बिनत लम्हात नया रंग इस तरह से है। तलखियाँ यादों की परछाइयाँ हो के कोई ख्वाब बुने, ये शफीक फातिमा शोरा का जो है तो नज़में शामिल हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी वो बता दी और जो पहले ही वीडियो में गुजर चुकी हैं। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो इसे वीडियो को पॉज कर यहाँ से पढ़ सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। रीज़न के तौर पे भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित